नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल रातप्रीत और स्वागत है आपके चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, कक्षा 8 की बुक से सिलेबस के अनुसार प्रश्नोत्तरी का आज हमारा अंतिम टॉपिक है राजस्थान का। हाँ दोस्तों, आज कक्षा 8 की बुक जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी और कम्युनिटी में आपसे वोट पूछे जाएंगे कि नेक्स्ट जो है कौन सी बुक स्टार्ट करनी है, 9th की, 10th की, 11th की या 12th की। ठीक है दोस्तों, तो आज के प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव। तो दोस्तों राइट आंसर होगा सरदार पटेल। दोस्तों, भारत में उस समय 565 रियासतें थी जिनकी एकीकरण की जिम्मेदारी रियासती विभाग गठित किया गया और रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार पटेल और इसके जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम भारत संघ में मिलने की सहमति प्रदान की थी? जयपुर ने, बूंदी ने, बीकानेर ने, झालावाड़। तो दोस्तों बड़ौदा और बीकानेर ने साथ में सहमति प्रदान की थी राजस्थान इसमें भारत संघ में मिलने की। अगला प्रश्न, एकीकरण से पूर्व राजस्थान का नाम था राजस्थान संघ, राजपूताना, रायथना, रजवाड़ा। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर होगा राजपूताना नाम था। अब ये सोचोगे रायथना और रजवाड़ा ये इसके दोस्तों प्राचीन नाम थे, लेकिन जब ये एकीकरण हो रहा था उससे पहले इसको इस क्षेत्र को राजपूताना ही कहा जाता था। निम्न में से कौन सा इलाका सीधा अंग्रेजों के अधीन था? किशनगढ़, लावा, निमराड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा। तो दोस्तों देखो, कुशलगढ़, लावा, निमराड़ा ये तीन ठिकाने थे, लेकिन ये जो अजमेर मेरवाड़ा है ये एकमात्र चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था जो डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सम्मिलित नहीं है, महाराणा भोपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाई, सही है, डूंगरपुर महारावल ने वागड़ संघ बनाया, सही है, कोटा महारावल ने हाड़ौती संघ बनाया, सही है, डी सभी सुमिलित है। दोस्तों राइट आंसर है सभी सुमिलित है, सारे सही है। अगला प्रश्न, एकीकरण के प्रथम चरण का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान, प्रभुपुर राजस्थान, वृहत राजस्थान, मत्स्य संघ। तो दोस्तों राइट आंसर होगा मत्स्य संघ। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का नाम सुझाव किसने दिया था? शोभाराम कुमावत ने, उदयभान सिंह ने, एन वी गाडगिल ने, के मुंशी ने। दोस्तों राइट आंसर होगा के मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी ने। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? 3/11/1948, 11/3/1948, 17/11/1948 और 18/3/1948। तो दोस्तों ये राइट आंसर 18/3/1948, जबकि कक्षा 8 की बुक में 17/3/1948 दे रखा है। कक्षा 8 की बुक की जानकारी दे दूँ, वहाँ 17/3/1948 दे रखा है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सभी। तो दोस्तों सही भी होंगी, सूत्र है ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, के मुंशी, शोभाराम कुमावत। तो दोस्तों राइट आंसर होगा शोभाराम कुमावत। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह, भीम सिंह, राम सिंह, उदयभान सिंह। तो दोस्तों उदयभान सिंह थे, और आपके लिए ये प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ कि उदयभान सिंह का संबंध किस रियासत से था। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? सरदार पटेल ने, के मुंशी ने, एन वी गाडगिल ने, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा एन वी गाडगिल, नर हरि विष्णु गाडगिल। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी का नाम बताओ? धौलपुर, करौली, भरतपुर, अलवर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा अलवर। अगला क्वेश्चन, दूसरे चरण का नाम बताओ? संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, पूर्व राजस्थान, राजस्थान। तो दोस्तों राइट आंसर होगा पूर्व राजस्थान। अगला क्वेश्चन, पूर्व राजस्थान का गठन कब हुआ? 25/4/48, 25/2/48, 25/3/48, 25/5/48। दोस्तों राइट आंसर होगा 25/3/48। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रियासत पूर्व राजस्थान में शामिल नहीं थी? बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर, शाहपुरा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा उदयपुर। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतें शामिल थी, उन सारी रियासतों के नाम भी बताएं। अगला क्वेश्चन, दूसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल, अर्जुन लाल, गोकुललाल असावा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा गोकुललाल असावा इसके थे। अगला क्वेश्चन, पूर्व राजस्थान संघ के राज प्रमुख किस रियासत से थे? बूंदी से, किशनगढ़ से, बांसवाड़ा से, कोटा से। तो दोस्तों राइट आंसर होगा कोटा, कोटा के राव, कोटा के महाराव थे भीम सिंह, उस समय इसके राज प्रमुख बने थे। अगला क्वेश्चन, दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भीम सिंह ने, गाडगिल, एन वी गाडगिल ने। तो दोस्तों राइट आंसर होगा एन वी गाडगिल ने। अगला क्वेश्चन, पूरे राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? बूंदी, बांसवाड़ा, कोटा, किशनगढ़। तो दोस्तों इसके अंदर ये जो है जो उत्तर है वो है कोटा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान चरण का नाम था चौथे चरण का, पांचवें चरण का, तीसरे चरण का, छठे चरण का। तो दोस्तों राइट आंसर होगा तीसरे चरण का। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल थी? 8, 9, 10, 1। तो दोस्तों इसमें 10 रियासतें शामिल थी, 9 तो जो है पूर्व राजस्थान संघ वाली और 1 उदयपुर शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ 18/3/48, 18/2/48, 18/4/48, 18/5/48। तो राइट आंसर होगा 18/4/48। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री गोपाल सिंह, भोपाल सिंह, माणिक्यलाल वर्मा
और कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भोपाल सिंह का संबंध किस रियासत से? बांसवाड़ा से, किशनगढ़, उदयपुर, सापुरा। दोस्तों राइट आंसर होगा उदयपुर, या इसको मेवाड़ भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्घाटन किसने किया? सरदार पटेल ने, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू, एनवी गाडगिल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त राजस्थान की राजधानी बताने, शाहपुरा, झालावाड़, बूंदी, करौली। दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर उदयपुर है, उदयपुर लिखा नहीं गया किसी ऑप्शन में, लेकिन इसका उत्तर उदयपुर है। इन चारों में से कोई नहीं है, उदयपुर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, वृहत राजस्थान का गठन 30-2-49, 30-4-49, 30-3-49, 30-6-49। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 30-3-49। अगला क्वेश्चन, वृहत राजस्थान में शामिल जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सभी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा सभी रियासतें वृहत राजस्थान में शामिल थी। अगला क्वेश्चन, वृहत राजस्थान के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, मंगाराम वैद्य, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई। तो दोस्तों राइट आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन, एकमात्र महाराज प्रमुख बने, उदयवान सिंह, भीम सिंह, मान सिंह, भोपाल सिंह। तो दोस्तों होगा भोपाल सिंह। अगला क्वेश्चन, वृहत राजस्थान के राज प्रमुख तख्त सिंह, करण सिंह, मान सिंह, कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा मान सिंह। अगला क्वेश्चन, वृहत राजस्थान का उद्घाटन सरदार पटेल, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, गाडगिल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन, वृहत राजस्थान की राजधानी जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। तो राइट आंसर होगा जयपुर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त वृहत राजस्थान में शामिल हुआ पूर्व राजस्थान, मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर होगा मत्स्य संघ। अगला क्वेश्चन, संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन 15-4-49, 15-3-49, 15-5-49, 15-6-49। दोस्तों राइट आंसर होगा आपके 15-5-49। अगला क्वेश्चन, राजस्थान संघ का गठन हुआ 26-2-50, 26-3-50, 26-1-50, 26-5-50। दोस्तों राइट आंसर होगा 26-1-50। अगला क्वेश्चन, राजस्थान संघ में कौन सी रियासतें शामिल हुई? अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा, सिरोही, आबू, देलवाड़ा छोड़कर। दोस्तों राइट आंसर होगा सिरोही, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर ये सिरोही जो है रियासत, बस छठे चरण में शामिल होती। सिरोही कबीला कितने चरणों में? दो चरणों में, तीन चरणों में, एक चरण में, चार चरणों में। दोस्तों दो चरणों में था, छठे और सातवें दो चरणों में सिरोही शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा के स्थान पर किस जिले का सिरोही क्षेत्र दिया गया? कोटा, उदयपुर, अलवर, अजमेर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा कोटा का। अगला क्वेश्चन, आबू देवड़ा राजस्थान में किस चरण में शामिल हुए? तो छठे में, पाँचवें में, सातवें में, एक में। तो राइट आंसर होगा सातवें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब सामने आया? 1756 को, 1956 को, 1156 को, 1156 को। दोस्तों राइट आंसर होगा 1156 को। अजमेर मेरठ शामिल हुए 48वें, 49वें, 50वें, 56वें। दोस्तों राइट आंसर होगा 56वें। कुशलगढ़ व लावा किस चरण में शामिल हुए थे? सातवें, पाँचवें, दूसरे, चौथे। दूसरा राइट आंसर होगा दूसरे में। अंतिम क्वेश्चन, एकीकरण के समय राजस्थान में रियासतें ठिकाने चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे? 19 रियासतें, एक ठिकाना, तीन कमिश्नर क्षेत्र। 19 रियासतें, दो ठिकाना, एक कमिश्नर क्षेत्र। 19 रियासतें, तीन ठिकाना, एक कमिश्नर क्षेत्र। 19 रियासतें, चार ठिकाने, एक कमिश्नर क्षेत्र। दोस्तों राइट आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज आपका राजस्थान का एकीकरण और इसी के साथ कक्षा 8 की बुक से जो सिलेबस के अनुसार प्रश्नोत्तरी है वो कंप्लीट हो गई है। और कम्युनिटी में आपसे वोट पूछे जाएंगे, आपको बताने हैं कि आपको कौन सी बुक स्टार्ट करवानी है। 9th की बुक स्टार्ट करें, 10th की, 11th की, या 12th की। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को